हाँ जी नमस्ते जी कैसे हैं आप मैं आपकी साधवी देवा ठाकुर डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं आज का मैं एक विषय बता देती हूँ और वो विषय ये है कि वेब सीरीज़ को लेके देश में काफ़ी बबाल है बबाल होना भी चाहिए जब धर्म और राष्ट्र और हमारे धर्म को बचाने वाले लोगों के प्रति जब जहर कहीं से भी निकले पॉइजन इज पॉइजन लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है देश का राजा कौन है हिंदूवादी देश के प्रधानमंत्री कौन है हिंदुवादी सरकार किसकी है हिंदुवादियों की मंत्री कौन है हिंदुवादी देश के राष्ट्रपति से लेके और सभी ऊंचे पदों पर देश में हिंदुवादी लोग बैठे हैं उसके बाद आपके ही देश में आपके ही हिंदुस्तान के अंदर कोई आपके धर्म और आपके महापुरुषों को लेके टिप्पणी करना तो बहुत बड़ी बात है कोई आंख उठाकर देख कैसे सकता है आज एक वेब सीरीज आ गई पहली बार नहीं आई मेरा कहने का अर्थ ही आप समझदार हैं और समझदार व्यक्तियों को बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता मुझे लगता है कभी नहीं होती आप चिंतन करिए कि जब देश के सभी पदों पर हिंदूवादी नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बैठे हों और फिर देश की जनता आहाकार कर रही है फिर देश की जनता बहिष्कार कर रही है फिर देश की जनता हाय तोबा मचा रही है क्यों आप ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों करते हो आप ऐसे हालात पैदा क्यों करते हो चोर को कहते हो चोरी करो और सा को कहते हो जागते रहो तो एक बड़ा सवाल है मेरा अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो आप आंसर देना जितने भी लोग मैं अभी देवाजी धाम से लाइव हूं कहने का अर्थ ये है कि उंगली उठने से पहले उंगली को काट देना चाहिए ताकि वो हाथ ही काट दो उसकी उंगलियां उठे ही ना और चिंतन करना सब लोग कि ऐसा हो क्यों रहा है दूसरा आज मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगी काफ़ी सारे कॉल आ रहे हैं कल से और बार बार लोग पूछ रहे हैं कि सरकार ने दो कदम पीछे हटाए हैं और बोला है कि अब आंदोलन करने की ज़रूरत है कि नहीं अब परेड में शामिल होने की ज़रूरत है कि नहीं मैं बता दूं सरकार ने अभी सिर्फ एक चॉकलेट दी है एक डायरी का एक ऐसा चॉकलेट दिया आपको कि शायद आपका जोश जनून 26 जनवरी को लेके जो बना हुआ है जो माहौल है वो शायद ठंडा हो जाए कल फिर मीटिंग है उस मीटिंग में तय हो जाएगा कि कितनी हमारी मांगे मांग रहे हैं और कितने हमारे सौ से ज्यादा किसान मर चुके हैं कितनी की इनको पीड़ा है आपने क्या नया दे दिया हमें मीटिंग में दो साल का तो सा हमारा उच्च न्यायालय बोल रहे हैं रोक ऑलरेडी लगा दी है तो आपने क्या कर दिया आपका इसमें कोई नया रोल नहीं है सरकार जी हटाने हैं तो पूरी तरह से कानून हटाकर किसानों को उनके घर भेजो हाँ 26 जनवरी को तो हम लोग फिर भी अपने गांव में अपने देहात में अपने समाज में अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने क्षेत्र में फिर परेड करेंगे और हां अभी दिल्ली में जब किसान बैठा है और छब्बीस जनवरी को अगर वहां रहेगा तो जायज सी बात है हम कहाँ जाएंगे परेड करने परेड तो वहीं करेंगे और दिल्ली किसी के बाप की तो नहीं है दिल्ली हम सबकी है अब बात कर लेते हैं हरियाणा के कलाकार और हरियाणा के कुछ लोगों की एक पंचायती अखाड़ा मत बनाओ इसको ये आंदोलन किसी एक जाति का एक धर्म का एक समुदाय का एक क्षेत्र का और एक शहर का नहीं है ये राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है देश के सभी लोगों की पीड़ा है इस आंदोलन को लेके। लोगों ने अपने बाप भाई परिवार के बहुत सारे लोगों को खो दिया है और बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी बहुत सारे लोगों ने अपना वजूद बहुत सारे लोगों ने अपनी चैन बहुत सारे लोगों ने अपना जमीनी स्तर पर दुश्मन बढ़ा लिया है और जो हमारे योद्धा लड़ रहे हैं ना थोड़ा सा उनका ख्याल भी कर लिया करो अब मैं बात करती हूं महाराणा प्रताप जी को लेके महाराणा प्रताप जी को लेके कभी तो कोई टिप्पणी कर देता और कभी कोई टारगेट कर लेता है मुझे लगता है कि महापुरुषों के नाम पर चाहे महाराणा प्रताप जी हो पृथ्वीराज चौहान हो और जितने भी हमारे महापुरुषों में हमेशा बोलती आई हूं उनको लेके राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है उनके नाम पर आप लोगों को दुकानदारी खोलने की कोई जरूरत नहीं है वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि उनके नाम से हम सब की पहचान है हमसे उनका क्या है हम तो चरणों की धूल भी नहीं है उन लोगों ने बलिदान दिया घास की रोटियां खाई इसलिए नहीं खाई थी कि जड़ा खड़ा खड़ा हो गया और दो पैग मार के बकवास करे ये बंद कर दो इससे देश और राष्ट्र टूटता है अब सारा फोकस किसान आंदोलन पे लगाइए वायत की बातें होती रहेंगी और विशेष रूप से एक बात और कहना चाहती हूँ जो लोग आज हमारे जो पत्रकार बंधु हैं कल परसों करनाल की न्यूज छाप रहे थे कि हाँ भाई छह किसान वकीलों ने समर्थन दिया और महाराज 600 600 वकील समर्थन दे रहे हैं और किसान के साथ आज टीचर आज मजदूर आज देहात आज सिख आज जाट आज पूरा समाज खड़ा है तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो जमीरदार की लड़ाई है इस लड़ाई को लड़ना इतना आसान काम नहीं है ये वो लोग लड़ सकते हैं जिनका माधा जिनके खून में ताकत होती है बस मैं इतना सा बोलने आई थी और दूसरा हमारे पास भाई कोई विशेष आईटी सेल नहीं है ना शेयर टू ग्रुप वाले लोग हैं ना कोई ऐसी टीम है ना हमारे पास ब्रिगेड है ना हमारे पास कोई और चीज़ ऐसी है हमारा तो परिवार आप लोग हो छत्तीस बरदरी के लोग हो जमीन से जुड़े हुए लोग हो सारे राष्ट्रवादी और सारे क्रांतिकारी लोग हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो काफ़ी लोग हैं ना जो बोलते हैं हमारी आईटी सेल है इतनी मजबूत है हमारी वीडियो दूर तक पहुंचती है तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगी बार बार ये नहीं कहना पड़े कि आप वीडियो को शेयर करो क्योंकि वीडियो को आगे तक पहुँचाओ उन लोगों को जवाब देना बड़ा ज़रूरी है जो जाति के नाम पे धर्म के नाम पे आए दिन देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं डटे रहो जुड़े रहो दीदी -दी आप लोग जवाब भी दोगी या नहीं बाबू आप समझदार हो अवनीत सिंह जवाब किस किस को दें दूसरा आप अजय कुमार आपको आपकी गर्दन पे क्या है मेरी गर्दन पे एक शेर का बहुत खूबसूरत चित्र है काफ़ी चर्चा में रहता है आप आके आइए और फोटो खिंचवा के जाइए भैया आपको गर्दन का टैटू नज़र आ गया मेरे करे हुए काम नज़र नहीं आए यहाँ मानसिकता का पता चलता है कि किसका करनाल तक जाने का जुगाड़ है और किसका दिल्ली तक जाने का जुगाड़ है नासिर जी बोल रहे हैं आप राष्ट्रवाद की भाषा जिंदा कर रही हैं धन्यवाद और वो उसकी ज़रूरत है आज इंसानियत की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोगों ने इतना जहर फैला दिया कि हमें मुश्किल हो गया काम करना भगवा वस्त्र धारण कर क्यों सनातन धर्म को बदनाम कर रही हैं जितेंद्र जी कह रहे हैं जितेंद्र प्रताप सिंह जितेंद्र प्रताप सिंह तो पहले तो ये बता तू है क्या दूसरा बता तेरे घर में तेरी माँ बहन बुआ बच्चे कोई हैं उनका चित्र भेज दे वो लगा देते हैं और उनको भगवा पहनाते हैं देखूँ तेरे में कितना दम है जब मैं अपनी पर आकर तेरी भाषा का तेरे को जवाब दूंगी ना तेरी औकात दस इंच की भी नहीं है तो थोड़ी तमीज से बात किया करो खान साहब कह रहे हैं एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद आप सब पर भारी पड़ रही हैं नहीं मैं भारी पड़ने के लिए नहीं सिर्फ काम करने के लिए काम कर रही हूँ ये वो लोग हैं मिस्टर जिन लोगों को अपना घर परिवार कुछ भी नजर नहीं आता सिर्फ इनको फेसबुक पर एक रिचार्ज करवाने का इनका जुगाड़ होता है इससे ज्यादा कुछ नहीं होते विरक साहब कह रहे हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे भाई तुम जैसे लोग ही जिंदाबाद कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बिल्कुल मैं सोचती थी निशार की लोग बदनामी करते हैं लोग गलत बात बोलते हैं लोगों की परवाह करनी चाहिए नहीं ये लोग हिम्मत भी देते हैं ये लोग ताकत भी देते हैं और आज सिचुएशन ये है कि हम गलत कमेंट्स ना पढ़ते हैं ना गलत कमेंट्स पे ध्यान देते हैं क्योंकि गलत बोलने वाले आदमी मानसिक रूप, रूप से शारीरिक रूप से फाइनेंशली रूप से बहुत बीमार हैं और जिस कौम को ये टारगेट करें ना सिखों को सिख तो वो मर्दानी कौम है जो जन्म जात लड़ाके जन्म जात टाइगर जन्म जात मर्द तो सिखों की ये लोग क्या रिस्क करेंगे? ये तो बस दो चार पांच लोग हैं जो टारगेट करते रहते हैं इनके आतंकवादी कहने से कोई आतंकवादी नहीं बना इनके कहने से कोई खालिस्तानी नहीं बना इनके कहने से कोई दौड़ने वाला नहीं है तलवारों में और सलवारों में बड़ा फर्क होता है भाई तलवार उठाना जंग लड़ना सलवार पैर के दौड़ना गद्दारी की निशानी है तो बड़ा फर्क है दिल्ली बॉर्डर पर सब दल्ले और गदार हैं जितेंद्र कह रहे हैं तेरे भा भाई तेरे घर का एड्रेस नाम पता यहाँ लिख दे। अगर तू अपने बाप की औलाद पता कर लेते हैं दिल्ली बॉर्डर पे दलाल हैं या तेरे घर में दलाल हैं। ठीक है अब आगे बबलू राठौर कह रहे हैं भाव देवल कह रहे हैं ग्रेट थैंक यू जी संदीप राणा जय माता की जय माता की संदीप अरविंद जय माता जी की राणा सुमित पुंडीर देख रहे हैं बोल नहीं रहे हैं काफ़ी लोग सिर्फ देखते हैं कमेंट्स नहीं करते ना आगे से वीडियो शेयर करते क्योंकि वीडियो शेयर करने के लिए फिर बहुत सारे जवाब भी देने पड़ते हैं ना लोगों को वो सब में ताकत नहीं होती अच्छा देव चौधरी कह रहे हैं आप हिंदू हो भाई हिंदू हूँ हिंदू की बात करती हूँ राष्ट्रवादी हूँ गर्व से भारत माता की जय बोलती हूँ पर इसका मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी की माँ बहन बेटी को गलत बोलो और ये जो लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं और आप चुपचाप देखते हो तो ये भी कोई मर्दों वाली बात नहीं है जो नपुंसक लोग या गलत लिखे उनको जवाब भी दिया करो तब हमें लगेगा तुम हमारे साथ हो केवल ये नहीं कि तुम्हारे मतलब की मैं बात करूँ तब तुम बोलो तुम्हारे मतलब की मैं बात करूँ जब तुम जय हिंद लिखो तुम्हारे मतलब की मैं बात करूँ तुम बार बार फोन करके बोलो एक जाते जाते एक संदेश देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना स्वार्थ थोड़ी सी अपनी मानवता बढ़ाओ जब इंसान को इंसान की जरूरत हो ना तो ज़रूरत की बात पर भी ध्यान दिया करो केवल बात करना राष्ट्रभक्ति नहीं होती जो आपके साथ काम कर रहा है जो आपके लिए लड़ रहा है जो आपके लिए दुश्मनी मोल ले रहा है कम से कम है ना ग्राउंड लेवल पे उसका साथ दिया करो क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं फेसबुक पर हम तुम्हारे साथ हैं तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तुम लड़ाई करो हम तुम्हारे साथ हैं फेसबुक पे नहीं भाई सारी ज़रूरतें ज़मीन पर भी हम लोगों को पूरी करनी पड़ती हैं आप काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं केवल आनंद लेते हैं वीडियो का केवल आनंद लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं आप लोगों को नहीं पता हम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से दरातल पे कितना विरोध सहना पड़ता है कितनी बार हमारा मन कितनी बार हमें पीड़ा होती है जिन लोगों के लिए हम लड़ें और वो लोग फिर धरातल पे साथ ना दें उस समय बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि हमें भी आपकी ज़रूरत होती है भाई हम लोगों को भी आपकी हमेशा आवश्यकता पड़ती है तो आप लोगों को भी जमीनी स्तर पर ना साथ देना पड़ेगा और कोई भी योद्धा है कोई भी महिला है अगर वो आपके लिए लड़ रही है ना तो आपको भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा और रही देखो जी बदनामी की इज्जत की बात ये सब तो छोटी चीजें हो जाती हैं हमने तो इससे बड़ी लकीर खींच दी है कि आज वो भी मैदान में देख लेंगे हम लड़ रहे हैं लड़ेंगे क्योंकि बीच में दौड़ना हमारे खून में नहीं है ठाकुर राजवीर सिंह देख रहे हैं केवल बोल नहीं रहे हैं अच्छा त्रिलोक तांत्रिक राधे 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 जी मैं देखती हूँ जी हमारे धर्म के नाम पे भी लोगों ने काफी ढोंग किए हुए हैं काफी ड्रामे किए हुए हैं कोई देवी बनी हुई है कोई देवता बना हुआ है कोई मैं पांच सात दस लोगों से आदि लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ ये जो जितने भी हैं कि देखिए आप लोग ये जो तंत्र मंत्र चाहे वो किसी भी वेशभूषा में शराब इस नेट के माध्यम से लोगों को इतना परेशान करना ड्रामे करना देवी देवता बनना हीलना डूलना पाखंड करना उन चीजों का आप विरोध क्यों नहीं करते उन चीजों पे आप कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हम लोग धर्म और राष्ट्र की बात करते हैं तो तुम साथ भी नहीं दे सकते काम करने के बहुत हैं भाई करने चाहिए ये भाई एक है ना एक बंदे को बड़ी तकलीफ है इसको दोबारा बाद में इसका निकालना पड़ेगा थैंक यू जी जो लोग सुनते हैं प्यार से और जवाब देते हैं भाई महापुरुषों के लिए ना आपस में झगड़ो मत महापुरुषों का सबके का सम्मान क्या करो चाहे महाराणा प्रताप है चाहे पृथ्वीराज चौहान है गुरु गोविंद सिंह है और चाहे भाई वो अपना परशुराम जी हैं बाल्मीकि भगवान है मैं तो संविधान को मानती हूँ अम्बेडकर जी का भी सम्मान करती हूँ इसलिए महापुरुषों को टारगेट मत करो और जो महापुरुषों के नाम पे दुकान खोल खेले ना वो गलत है अच्छा वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो इसलिए मैंने आपको भेजा है जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय